हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टडी पॉइंट। सो इस वीडियो में जो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन पूछा गया था कल SBI के एग्जाम में, वो डिस्कस करूँगा। तो चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या दिया गया है। 40 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 48 डेज, 64 मैन स्टार्टेड वर्क एंड वर्क फॉर एक्स डेज, आफ्टर दैट 32 मैन ज्वाइन दैम एंड कम्प्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 16 2/3 डेज, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखिए हमें क्या बोला गया कि जो 40 मैन हैं वो कितने दिन में काम खत्म करते हैं, 48 डेज में। तो ये हमने लिख दिया। देखिए जो हमारे पास में जो फॉर्मूला यूज होगा वो कौन सा होगा, M1D1 इज इक्वल टू M2D2, जो ये हमारे पास चेन रूल का फॉर्मूला होता है ये इसमें यूज होगा। तो इसमें देखिए जो 40 मैन है वो कितने दिन में काम करते हैं, 48 डेज में। तो हम ऐसे 64 मैन की वैल्यू निकाल सकते हैं वो कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो देखिए ये कितना होगा, 64, उनके डेज हमें पता नहीं है तो हमने एक्स लिख लिया। तो देखिए ये कटा 8 से 6 टाइम्स, ये 8 से 8 टाइम्स, तो 8 से 40 कट गया 5 टाइम्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डेज आ गई। तो यानी जो 64 मैन है वो कितने टाइम में काम ख़त्म करेंगे, ये 30 डेज में काम ख़त्म करेंगे, जो काम 40 मैन 48 डेज में ख़त्म करते थे। तो देखिए उसके बाद हमें क्या बोला गया, 64 मैन स्टार्टेड वर्क एंड वर्क फॉर एक्स डेज। तो देखिए 64 मैन ने अभी जो काम शुरू किया, जो काम वो 30 दिन में ख़त्म कर सकते थे, उन्होंने कितने दिन काम किया, एक्स डेज काम कर दिया। तो यानी एक्स डेज तो काम खत्म हो गया, तो जो रिमेनिंग काम बचेगा वो कितने दिन का बचेगा, 30 माइनस एक्स डेज का बचेगा। तो 64 इंटू 30 माइनस एक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए हमें क्या बोला गया, आफ्टर दैट 32 मैन ज्वाइन देम, तो 32 और मैन उनको ज्वाइन कर लेते हैं एक्स डेज के बाद। तो देखिए पहले 64 थे, तो अब कितने हो जाएंगे, 64 प्लस 32 मैन हो जाएंगे। तो और देखिए वो कितने दिन में काम ख़त्म कर देते हैं, 16 2/3 में, तो 16 2/3। तो देखिए जो काम 64 बंदे 30 माइनस एक्स डेज में कर सकते थे, वही काम 96% ने कितने दिन में कर दिया, 16 2/3 डेज में कर दिया। तो इसको सोल्व करेंगे आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए 64 इंटू 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू 96 इंटू, ये कितना बन जाएगा, 50/3 बन गया। तो ये 96 3 से 32 टाइम्स कट गया, और 32 से ये 64 2 टाइम्स कट गया, और 2 से ये 50 25 टाइम्स कट गया। तो देखिए 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 25 आ गया। तो देखिए एक्स उधर जाएगा तो एक्स प्लस का हो जाएगा, और 25 इधर आ गया माइनस हो जाएगा। तो 30 माइनस 25 कितना आ गया, 5, एक्स की वैल्यू 5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इतना इजी क्वेश्चन था ये, बस आपको अपनी अप्रोच देखनी थी कि इसको सोल्व कैसे करना है। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।